हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज मेरा कोई ब्लॉग वीडियो नहीं है, और ये जो आज का वीडियो है ये है हांडी मटन। आज मैं आपको बताऊंगा कि हांडी मटन कैसे बनाते हैं और हांडी मटन का स्वाद कैसा होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आप लोग अपनी जितनी भी सामग्री है उनको अच्छे से कट करके रख लीजिए, बारीक करके। और ये हमने प्याज को भून लिया है थोड़ा हल्का सा, और ये खड़े मसाले हैं। बाकी मसालों का जो कॉम्बिनेशन है आप लोग अच्छे से रखिए, और बिगर मसालों का तो मटन कहाँ स्वादिष्ट होगा। मटन कट करके रख दिया है, और अब हम चलते हैं हांडी। और हांडी के रख दिया है चूल्हे पे, और उसमें डाल दिया है ऑयल। ऑयल थोड़ा होने तक, उसके बाद हम इसमें डालेंगे सबसे पहले दालचीनी का पत्ता। और इसके बाद की जो स्टार्ट होगा, लहसुन भुनेंगे अच्छे से। जब तक लहसुन अच्छे से नहीं भुन जाता, उसके बाद हम डालेंगे इसमें दूसरी सामग्री, और वो आएगी अब अदरक। सारी चीज़ें आपको अच्छे से भून लेनी है ताकि मटन का स्वाद और अच्छे से आए। और मिर्ची डाल दी है, टमाटर डाल दिए हैं, और अब हमने ऊपर से डाल दिया है इसमें मसाले। मसाले आप जिस हिसाब से आप मटन बनाओगे उस हिसाब से आप मसाले रख सकते हैं। देखिए, मसाले रेडी हो गए हैं। अब हम इसमें अब डालेंगे मटन। धीरे-धीरे इसमें मटन डालेंगे, और मटन फिर हम इसमें होने देंगे अच्छे से। हल्की आँच में हम मटन को रखेंगे, क्योंकि ज़्यादा आँच करोगे तो शायद हांडी चटकने का भी डर रहता है इसमें। तो इसे हम अच्छे से घुमाएंगे, और जितने भी इसमें मसाले हैं इनको अच्छे से मिलाएंगे, ताकि हमारा जो मटन है उसमें मसाले मिल जाए और मसाला और भी अच्छा हो। तो हम इसे धीरे धीरे मिला रहे हैं। अब इसमें हम थोड़ी देर के लिए इसमें ढक्कन रख देंगे, ताकि मटन अच्छे से पकेगा। ये देखिए, हमने इसमें ढक्कन चढ़ा दिया है। मैक्सिमम मटन बनने तक, उसके बाद इसमें हम हरा धनिया डालेंगे, और कम से कम मटन, देखिए हमने इसको हल्की आंच में रखा है अभी, ज़्यादा तेज आंच नहीं करनी है क्योंकि इसमें चटक सकती हांडी। मटन जब आप बनाओगे तो कम से कम इसमें आपका डेढ़ घंटा से ऊपर लग सकता है। वो फिर आपके मटन के ऊपर है बात है कि आप कितना मटन बना रहे हैं, और कितनी बड़ी आपकी हांडी है, और किस हिसाब से। अब हमने इसमें हरा धनिया मिला दिया है। फ्रेंड्स देखिए, एकदम लाजवाब मटन बना हुआ है। अब हम इसे थोड़ा टेस्ट करेंगे ताकि ये कच्चा ना हो, और फिश। सो फ्रेंड्स, आप लोग भी अगर मटन के शौकीन हैं तो प्लीज़ इस हांडी मटन का एक बार बिल्कुल स्वाद दीजिए, और इस तरह से ट्राई कीजिए। आग में बनाइए इसे, और बहुत अच्छा टेस्ट है इसका।